स्वागत है आप सभी का हेलो हॉल में। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं करते। मेरी आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से जरूर किया करिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है 1957, जहाँ पर एक फादर एक बच्चे को मार रहे होते हैं। वह उसे मारने वाले होते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक शैतान होने का श्राप होता है। फादर जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं, तभी अचानक से पीछे से कुछ ऑफिसर आ जाते हैं और वह फादर को शूट कर देते हैं। इसी वजह से फादर की वहां पर डेथ हो जाती है और फादर मरने के बाद भी यह नहीं भूलते कि वह एक बच्चा शैतान है। तभी पुलिस वाले आते हैं और उस बच्चे को अपने गले लगा लेते हैं। फिर हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बस आती है और उस बस से एक आदमी उतरता है। वह अपने जेब से एक नक्शा उतार कर उस नक्शे को देख रहा होता है और उसका नाम मैरिक होता है। मैरिक एक पुलिस ऑफिसर होता है जो कि कुछ लड़कियों की लापता होने की वजह से वह चर्च में एक फादर बनकर आता है और चर्च में जाने के बाद वह फादर पैरियोर से मिलता है। फादर पैरियोर एक्सोरिज्म करने में काफ़ी माहिर होते हैं, इस वजह से सभी लोग वहां पर उनकी बहुत इज्जत करते हैं और वह इसी वजह से चर्च के सबसे बड़े फादर होते हैं। मैरिक वहां पर आता है फादर बनकर। यह बात किसी को भी नहीं पता होती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। वह आया होता है उन लड़कियों का पता लगाने जो कि काफ़ी पहले समय यहाँ पर आई होती हैं। उनके अंदर कुछ आत्माएं होती हैं, वह एक्सोरिज्म के लिए यहाँ पर आई होती हैं पर यहाँ से वापस नहीं जाती हैं। इस वजह से ऑफिसर यहाँ पर आया होता है ताकि बात करने। फिर हमें दिखाया जाता है कि फादर लोग के लिंच का समय हो जाता है और सभी फादर प्रे कर रहे होते हैं। जब वह प्रार्थना कर रहे होते हैं तो मैरिक को भी कुछ खाने के लिए दे जाता है। वह खाना मांसाहारी होता है और उस खाने को मैरिक बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यह खाना कोई आम खाना नहीं है, बल्कि जो लड़कियाँ यहाँ पर एक्सोरिज्म के लिए आती हैं, फादर उन लोगों को पकड़कर काटकर उन्हीं का ही डिनर करते हैं। यह बात किसी को नहीं पता होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की आई हुई है जिसके ऊपर एक चुड़ैल होती है। उसका एक्सोरिज्म करने के लिए फादर मैरिक को अपने साथ ले जाते हैं। अब फादर पैरियोर और फादर मैरिक दोनों ही एक्सोरिज्म करने के लिए आगे जाते हैं और उस औरत को एक खटिया से बांध दिया जाता है। फिर फादर बाइबल उठाकर पढ़ने लगते हैं और जैसे ही वह बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, वह औरत जग जाती है। फिर वह औरत काफ़ी ज़ोर से चीखने लगती है, बेड अपने आप हिलने लगता है और फादर की कुछ मोमबत्तियाँ आप हवा की वजह से बुझने लगती हैं। सभी चीज़ें उदल फुदल होने की वजह से सब लोग डरने लगते हैं और फादर मैरिक जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, वह यह सब अपने आँखों से देखकर काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी होती है। इस वजह से उसे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आने वाली है और वह डर के मारे उसकी हालत ख़राब होती है। तभी फादर जब क्रॉस उठाकर उस औरत के सामने रखते हैं तो क्रॉस में आग जलने लगती है। यह देखकर मैरिक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर वह एक रूम में जाता है क्योंकि वह यहां पर तलाशी करने तो आया होता है। वह अकेले बैठकर एक रूम में जाता है। फिर वह खाने के लिए चला जाता है क्योंकि खाने का तभी वक्त हो जाता है और फादर उसे लेने आते हैं। वह खाना जब खा रहा होता है तो उसे खाने में कुछ अजीब चीज़ें मिलती हैं जिसकी वजह से वह खाना छोड़कर उल्टी करने आ जाता है और जैसे ही वह उल्टी करता है तो उसके मुंह से एक टूटा हुआ दांत निकलता है क्योंकि खाने में कुछ लोग अजीब सा केमिकल मिला होता है जिसकी वजह से यहाँ पर खाने वाले लोग वो ज़्यादा बोल और चल ना सकें। इस वजह से खाने में कुछ केमिकल मिलाकर इन लोगों को हिलाया जाता है ताकि किसी को भी शक ना हो और फादर पैरियोर अपना काम आसानी से कर सकें। फिर वह पुलिस तलाशी लेते हुए एक रूम में चला जाता है जिस रूम में कुछ भी नहीं होता। वह अपने रूम में जाता है और उसके अंदर से एक रूम में जाने के बाद उसे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिस बेड पे एक्सोरिज्म हुआ होता है। वह उस बेड को देख रहा होता है चारों तरफ से घूम घूम कर। तभी उसका पैर अचानक से एक बेड के नीचे पटरे पर पड़ जाता है और जब वह पटरे पर पैर रखता है तो बेड ऑटोमेटिक हिलने लगता है। यह देख कर वह समझ जाता है कि बेड को कैसे हिलाया गया था। फिर वह एक बटन को ऑन करता है जिससे कि फ़ैन चल जाता है और फैन के चलने की वजह से उसे यह समझ में आ जाता है कि मोमबत्तियाँ कैसे बुझ रही थी। फिर वह क्रॉस उठाता है और क्रॉस के पीछे लगे बटन को जब वह दबाता है तो क्रॉस में ऑटोमेटिक आग लग जाती है। इस आग को देखकर उसे अब पूरी तरीके समझ में आ गया था कि फादर लोग ढोंगी हैं और ये लोग सभी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो एक्सोरिज्म के लिए लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं, इन्होंने उसके साथ कुछ ही कुछ अजीब किया है। यह देख कर मैरिक वहाँ से चला जाता है और तभी फादर को मैरिक पे शक हो जाता है जिसकी वजह से फादर पैरियोर मैरिक को बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं। और जब मैरिक प्रार्थना करा रहा होता है तो वह प्रार्थना भूल जाता है क्योंकि वह एक ऑफिसर होता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब सबका नज़र
मैरिक पर होता है, क्योंकि मैरिक एक बाइबल नहीं पढ़ सका था। इस वजह से फादर पैयोर मैरिक के पीछे कुछ आदमियों को लगा देते हैं। तब मैरिक वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वह सभी खिड़कियों दरवाजे के पास जा जाकर जोर जोर से कोशिश करता है, लेकिन वह खिड़कियों दरवाजा पूरी तरीके से बंद होते हैं। बहुत ही मुश्किल के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे नहीं होना चाहिए था। वह वहां पर जाता है और एक मुर्दे घर को खोदने लगता है। फादर पैलियोर ने उस औरत को गाड़ा होता है जो कि यहाँ पर एक्सोरिज्म के लिए आई होती है, लेकिन जब वह संदूक को खोलता है तो उसके अंदर कोई लाश नहीं होती, जिसे देखकर मैरिक डर जाता है। और तभी वहाँ पर मॉन्क पियोट आते हैं और उसे सब कुछ सच बता देते हैं। फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और अपने रूम में आता है तो उसे काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस खाने में काफ़ी ज़्यादा केमिकल होता है और वह उल्टियाँ करने लगता है। वह उल्टियाँ कोई आम उल्टियाँ नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उसके मुँह में खून आने लगता है। फिर वह दोबारा से मुर्दा घर में जाता है और इस बार वह पूरी तरीके से संदूक को चेक करता है, लेकिन संदूक में अब इस बार भी कोई बॉडी नहीं होती। लेकिन तभी वहाँ पर फादर पियोर के कुछ आदमी आते हैं और मैरिक को मारकर बेहोश कर देते हैं, फिर उसे एक चारपाई से बांध देते हैं। फिर वहाँ पर फादर पियोर आते हैं और उसे चार प्याली में कुछ खाना लेकर आते हैं। वह खाना फिर से मांसाहारी होता है और वह इंसानों का भोजन होता है, इस वजह से वो मैरिक खाने से मना कर देता है। पर फादर के आदमी उसके मुँह में ज़बरदस्ती खाना ठोस ठोस कर उसके मुँह में पानी पिला देते हैं और वह खाना किसी तरीके से उसके पेट में चला जाता है और उसे बहुत सारी उल्टियाँ आने लगती हैं। तभी मैरिक जाने से सोकर जगता है और देखता है कि फादर पियोर के आदमी सो रहे हैं। तब वह वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और अपनी रस्सी को खोल लेता है और फिर अपनी गन के पास जाता है और गन उठाकर उस फादर के आदमी के ऊपर तकिया रखकर शूट कर देता है, जिसकी वजह से कोई आवाज़ नहीं आती और उस मॉन्क की डेथ हो जाती है। फिर वहाँ से वो भाग जाता है और वहाँ भागने के बाद वह रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कि वह एक ऐसे रूम में पहुँच जाता है जहाँ पर सभी औरतें मरी हुई टंगी होती हैं। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि उन औरतों का क्या होता है जो कि चर्च में एक्सोरिज्म के लिए आती हैं। उन सभी को ये लोग काटकर उनका खून पी लेते हैं और उनकी बॉडी को रोज रोज बनाकर खाते हैं। यह देखकर मैरिक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तभी वहाँ पर मॉन्क पियोट आता है और इससे कहता है कि हमारे पास निकलने के लिए यहाँ पर एक रास्ता है, जो कि मैरिक सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर कहता है मॉन्क कि एक जमीन के नीचे गुफा है जहाँ से मैं पहली बार भागने की कोशिश की थी, पर ब्लेयर किसी तरीके से फंस गया क्योंकि यहाँ पर मैं निकल अकेले था, इस वजह से मैं नहीं निकल पाया। यह सुनकर मैरिक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और मैरिक के पास गन होती है तो इस बात से मैरिक को कोई डर भी नहीं होता। वह गुफा के अंदर आसानी से चला जाता है और मॉन्क पियोट के पीछे चलते रहता है, लेकिन तभी अचानक से फादर पियोर के कुछ आदमी आते हैं और फिर से मैरिक को पकड़ लेते हैं। और फादर पियोर मॉन्क से कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया कि तुमने इसे पकड़ा दिया। और तभी हमें पता चलता है कि मॉन्क पियोट फादर के लिए काम कर रहा था, जो कि फादर ने उसे नज़र रखने के लिए मैरिक के ऊपर छोड़ा होता है। यह देखकर मैरिक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिसका लड़की का एक्सोरिज्म हुआ था, वह लड़की मैरिक के सामने लाई जाती है और उसका गला काट देते हैं फादर लोग, जिसकी वजह से उसके गले से काफ़ी ब्लड निकलता है। और फिर उन ब्लड को अलग अलग कटोरियों में भरकर सभी मॉन्क को दे दिया जाता है और सभी मॉन्क बारी बारी से उस ब्लड को पीकर आमीन कहते हैं और मैरिक को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो शैतान है, हम उसी की पूजा करते हैं, उसके द्वारा हम पूरी पृथ्वी पर राज करना चाहते हैं। यह सुनकर मैरिक काफ़ी ज़्यादा निम्न में पड़ जाता है। फिर मॉन्क लोग भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि मॉन्क सात बलि दे चुके होते हैं और इसके बावजूद भी मैरिक के अंदर शैतान नहीं जिंदा हुआ था। और फादर पियोर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वह डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने रूम में आकर सिगरेट दारू पीकर डांस करने लगते हैं। यह देखकर मॉन्क पियोर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह अपना आपा खोने लगते हैं। इस वजह से मॉन्क फादर पियोट को तकिए से मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी मॉन्क मिलकर अब सारे सबूत मिटा रहे हैं क्योंकि वो सभी लड़कियों के बॉडीज को आगे में फेंक कर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से कोई सबूत ना बचे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मॉन्क ने फादर को मार दिया था, इस वजह से उसकी आत्मा निकल कर सीधा मैरिक के पास आती है और मैरिक के मुँह में समा जाती है, जिसकी वजह से मैरिक एक शैतान में बन जाता है। और जब मॉन्क एक बाइबल पढ़कर अपनी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचा रहा होता है, तभी शैतान जिंदा हो जाता है। और शैतान की जिंदा होने की वजह से जब मॉन्क प्रे कर रहा होता है तो मॉन्क को ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और शैतान का असर मॉन्क पर होता है। मॉन्क धीमे धीमे मर जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि शैतान अपने असली रूप में आ जाता है और शैतान को देखकर सभी मॉन्क डर जाते हैं, जो कि वहाँ से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से शैतान उन्हें अपनी शक्तियों से रोक देता है और सभी स्टैचू बन जाते हैं।
फिर शैतान अपनी सारी शक्तियों से पूरे चर्च को एक बंगले में बदलने लगता है। धीरे धीरे बंगले पर जाले बढ़ने लगते हैं और काली शक्तियाँ काफी तेजी से पूरे महल में फैलने लगती हैं, जिसकी वजह से सभी बड़ी वहाँ पर बॉडीज जिंदा हो जाती हैं और वहाँ के सभी सूखे पेड़ अचानक से जिंदा होने लगते हैं, सभी फूल खिलने लगते हैं और सभी आत्माएं जिंदा होने लगती हैं और सभी आत्माएं जिंदा होने के बाद उस राक्षस की गुलाम हो जाती हैं। तभी आसमान से जोर से बादल फटता है और शैतान की शक्तियां आसमान से उतरकर पूरे चर्च पर काबू कर लेती हैं और उसकी शक्तियों की वजह से पूरा का पूरा चर्च शमशान बन जाता है और शैतान अब पूरी पृथ्वी पर धीमे धीमे फैलने लगता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।